पहला रिलीज हो चुका है और अभी एक घंटे में उस तिहाड़ लेके जाएंगे और न्यायपालिका का बहुत बहुत आभार है और दिल से उनको धन्यवाद करते हैं। सत्यमेव जयते। मैम एक मिनट, कल जब आपकी बात हुई थी बेल के बाद, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो क्या संजय सिंह ने क्या प्रतिक्रिया थी सर उनकी? वो हॉस्पिटल में थे लेकिन वो थोड़ा सा भावुक हुए और बाकी नॉर्मल थे। ऐसा कोई वो नहीं था कि परेशान हो या कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं। मैम रिलीज के टाइम पे क्या परिवार के सदस्य या आप उनके साथ वहाँ पर जाएंगी उनके स्वागत के लिए? वो लेने जाएंगी आप तिहाड़? अभी इसको कुछ बता नहीं सकते क्योंकि अभी सारा प्रोग्राम चेंज हो रहा है। क्या है अभी मुझे कन्फर्म नहीं है। अभी तो हमको लग रहा है कि हम किधर जाएंगे, मुझे अभी खुद भी नहीं पता है। बेल हो गई है, कितनी तसल्ली, कितना संतोष आपके मन में है? नहीं, आज बेल हो गई इस, ये अच्छी बात है। और अभी तभी हमको हम लोगों को तसल्ली होगी जब मेरे तीन भाई बाहर आ जाएंगे, तब हमको सबसे ज्यादा खुशी तभी होगी जब हमारे तीन भाई और आ जाएंगे। मैम ऐसी भी खबर है कि संजय जी जब बाहर आएंगे उसके बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री के आवास पर जाएंगे, उनकी पत्नी से मुलाकात करेंगे, क्या ऐसा कोई प्रोग्राम आपके पास? अभी ऐसा कुछ शेड्यूल नहीं है, अभी थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंजिंग हुआ है, अभी ये सारा शेड्यूल मुझे पता नहीं। थैंक यू। जो कार्यकर्ता है वो संजय सिंह जी का बहुत बेसब्री से काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आज कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे और अभी कितने बजे होंगे ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आज कार्यकर्ताओं के अंदर हौसला बुलंद करने के लिए उनके बीच में आएंगे। तो ये सारी कार्रवाई जो है कोर्ट की औपचारिकताएं जो है आज आपने पूरी कर ली है कोर्ट में, वो परवाना क्या कोर्ट से जारी हो गया है उनको जेल से छोड़ने के लिए? हाँ, वो पूरा कोर्ट से जितना भी फॉर्मेलिटी था सब पूरा हो गया है, अब उनको जेल से रिहा कर। तो कोर्ट स्टाफ ने कुछ बताया कब तक उनकी रिहाई संभव है सामने? अभी ये मुझे पूरा डिटेल नहीं पता है। As you are aware that the bill has been granted by the Supreme Court and the formalities have been fulfilled by the counsels before the trial court, what would you like to say about all this procedure? So today we have submitted the copy of the order of the Supreme Court. And in the order of the Supreme Court, Honorable Supreme Court has said that the terms and conditions would be decided by the trial court. The trial court has already decided the terms and conditions. There are four important conditions that has been there. One is the submission of surety of 2 lakh rupees. Of like amount, and secondly there is a condition which is already there, it was in the Supreme Court order, that he will not say about his role in this particular case, and third that he will not leave the country, his passport is to be submitted before the court, and fourth that if he decides to go outside Delhi NCR he has to give the informations related to it, the schedule and etc. to the investigating officer. How long it would take to be released Sanjay Singh from Tihar jail today? Once the release order through DAK will reach Tihar jail, and after considering that the superintendent will pass a release order thereafter, and then release and then the release of Sanjay Singh will happen. So can you say that he will be released by this evening? This evening, surely, because the release order is there are no procedural lapses will be there, and he will be released by the evening today.